बिहार में दंगों की आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार दंगाइयों पर बार बार सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। साल 2018 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे के खिलाफ कार्रवाई का उदाहरण दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों पर सीएम नीतीश सख्त। अब कहीं दो जगह एक जगह कहीं पर कुछ झगड़ा कर रहा है, किया तो तुरंत उस पर कब्जा भी किया गया। नहीं बक्से जाएंगे दंगाई, और धीरे धीरे तो पता न चलेगा कि कौन ये सब गड़बड़ किया है। इशारों में अश्विनी चौबे पर साधा निशाना। देखो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका बेटा वहाँ पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद बिहार शरीफ और सासाराम में हालात लगातार सुधर रहे हैं, लेकिन पटना में राजनीतिक पारा हाई है। सीएम ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इशारों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर भी कटाक्ष किया। बिहार में किस तरह से हम लोगों ने आपस में किसी तरह का विवाद न हो और कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है, अब कहीं दो जगह एक जगह कहीं पर कुछ झगड़ा कर रहा है, किया तो तुरंत उस पर कब्जा भी किया गया है, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है, और धीरे धीरे तो पता न चलेगा कि कौन ये सब गड़बड़ किया है। अब आजकल जो बोल रहा है तो याद है ना जी, 18 वाला भी भूल नहीं जाइएगा। देखो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका बेटा वहां पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज को। सीएम नीतीश के बातों को समर्थन करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एनडीए कार्यकाल की याद दिलाई और अश्विनी चौबे पर हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सरकार पर सवाल किए। आपको स्मरण होगा, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के शासन काल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। सरकार ने जानबूझकर इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा कराया गया, क्योंकि हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था सासाराम में, और कई जगह प्रोग्राम था उनका, तो इस ढंग से ये कराया गया जिससे उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो, प्रोग्राम रुक जाए। बिहार में दंगे की आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार दंगाइयों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।